15 फरवरी की रात में थानापुर के सकरारी गांव में एक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में एक अति बुजुर्ग और लगभग निष्प्रयोज टाइप की उनकी शरीर थी, उनकी हत्या की गई और हत्या में कम से कम 5 जो है गोली उसको मारी गई थी। ये इस मुकदमे में क्योंकि मृतक के परिवार के सारे लोग, पत्नी से लेकर के जितने उनके बच्चे हैं, ये सब बाहर रहे, तो गांव वालों की आप अपनी अपनी रंजिश के आधार पर लोगों ने जिस तरह से समझाया, 5 गांव के लोगों को नामजद किया गया। प्रथम दृष्टया प्रारंभिक जांच और छानबीन में लगा कि नामजदगी सही नहीं, इसलिए इसमें हमने तत्काल नामजदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार अपनी क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की पुलिस के माध्यम से सीओ साहब के नेतृत्व में लोग प्रयास करते रहे कि घटना का सही अनावरण हो और असली अभियुक्त जेल जाए। इस क्रम में हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिली जब यह समझ में आया कि एक नामित अभियुक्त की नामजदगी सही प्रतीत हो रही थी, उसका पीछा किया गया, वो साफ़ किस्म का अपराधी था और वो हाजिर अदालत हो गया, फिलहाल जेल में है। इसी बीच में हमारी टीम ने प्रयास करके इस घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्त जो नामजद नहीं थे उनकी गिरफ्तारी की। उसमें उसी गांव का एक कल्लू सिंह निकला, दूसरा एक करंडा गाजीपुर का अपराधी है, सिकंदरपुर गांव का मोहित सिंह, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से वो पिस्टल जिससे गोली मारी गई थी, एक पिस्टल बरामद हुई है और इसका जो मुख्य अभियुक्त जिसने इस मर्डर को कराया और मौके पर मौजूद था पंकज सिंह, वो जेल में, हम पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसको रिमांड पर लेने के बाद उससे 2 अन्य असलहे, एक पिस्टल और एक राइफल की बरामदगी करनी है। तो कुल 5 गोलियां मारी गई थी, जिसमें एक गोली राइफल से मारी गई थी और दोनों पिस्टलों से अलग अलग गोलियां मारी गई थी। खोखा आज मौके पर मिला था, उसको मिलान और परीक्षण की गई थी। वजह जो है कुछ नहीं, मैं बड़ा कि तू बड़ा जैसी बात थी और उस जो वृद्ध मृतक थे उनकी भी बोलचाल की भाषा थोड़ा टाइट थी, तो एक दो बार उन्होंने बाता कही के दौरान उसको कुछ अपशब्द कर दिए थे, मनवर टाइप का लगता था उसके द्वारा।